आज जो है ना मेरी लाइफ का तो बहुत ही स्पेशल डे है और मैं इसको थोड़ा बहुत और स्पेशल बनाना चाहती हूँ। क्या 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 है ये? ये कुछ नहीं है, पहले से तो था। कहाँ गुब्बारे भरे कौन लाया? तो जरूरी नहीं है बर्थडे मनाने के, बुढ़िया का बर्थडे बर्थडे? मना कौन सा लो। बर्थडे, किसका बर्थडे? हम कहाँ बर्थडे मना रहे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और पहला और सभी छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं अभी तक स्वागत करती हूँ आपका एक नए दिन में, नए व्लॉग में। तो आज मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग ना 3:30 बजे से हो रही है और अभी मैं स्कूल से आ गई हूँ घर पर, क्योंकि आज का मेरा ब्लॉग जो है ना वो शाम का रहने वाला है, इसीलिए मैंने शाम का ब्लॉग की स्टार्टिंग की है। तो आज का मौसम जो है ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बारिश लगी हुई है, दिन से बारिश होना स्टार्ट हो गई है, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। सुबह के टाइम पे बादल हो रहे थे आसमान में और दिन के टाइम बारिश स्टार्ट हो गई है। तो अभी स्कूल से आके मैं आ गई हूँ छत पे और यहीं पे को ना मम्मी लोगों ने आग जला रखी है। दिन से ही बारिश हो रही थी, ठंडा मौसम हो रहा था, तो दिन से ही आग भी जला दी है। यहीं पे को बैठ के आग सेक रहे हैं मम्मी और पापा। तो अभी बज गए हैं शाम के 4 और हम लोग ना शाम की चाय पी रहे हैं यहीं पे बैठ के आग सेकते हुए। दिन भर मौसम ना ऐसा ही था, अभी यहीं पे बैठ के हम सब लोग चाय पी रहे हैं। भाई लोगों नमस्कार। और हमारी जो है भी चाय पानी चल रहा है, मौसम भी ठंडा है, आग सिकाई भी हो रही है, इतने सारे काम हो रहे हैं एक साथ। आप लोग भी ठंडे से ही कांप रहे होंगे, अलाव जला रखा होगा, अलाव सेक रहे होंगे, शरीर को गर्म रखिए, ठंडा मत होने दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। हम लोगों ने ना यहाँ पे आग जलाई हुई है, आग सेकते हुए चाय भी पी रहे हैं साथ में। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, चाय और नमकीन का आनंद ले रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने शाम की चाय पी ली है और शाम की चाय पी के ना मैं आ गई हूँ नीचे कमरे में, हॉल वाले कमरे में। तो आज शाम को ब्लॉग बनाने का मेरा ना बहुत ही ज़्यादा खास रीज़न है, बहुत ही स्पेशल दिन है आज का, क्योंकि आज जो है ना पतिदेव जी का बर्थडे है और ये दिन मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा खास है और मैं इस दिन को ना थोड़ा बहुत और स्पेशल बनाना चाहती हूँ। आज हम लोगों ने ना पतिदेव जी के लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रखा है, तो मतलब वही बर्थडे सेलिब्रेशन करने का सोचा है। तो अभी केक वगैरह तो हम ला गए हैं, क्योंकि अभी तक उनको बताया नहीं है हमने कि हम केक वगैरह लाए हुए हैं, और ये थोड़ा बहुत डेकोरेशन करूँगी मैं अभी यहाँ पे। अभी वो दुकान पे गए हुए हैं, तो जैसे वो दुकान से आते हैं देखते हैं क्या रिएक्शन होता है उनका। तो अभी ये डेकोरेशन जो 4 फरवरी को पापा का बर्थडे था तो उस दिन की थी, और इसी में ना थोड़ा बहुत और करती हूँ मैं। मैंने ना बैलून फुला दिए हैं थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दी है। डेकोरेशन तो क्या होता है, थोड़ा बहुत बलून लगा दिया, कटन पहले से लगे हुए थे। मुझे ना मतलब कोई भी अगर घर में फंक्शन प्रोग्राम कुछ भी हो तो उसमें ना इसी तरीके से थोड़ा ना हल्का फुल्का डेकोरेशन करना अच्छा लगता है मुझे, तो इसीलिए मैंने ना थोड़ा बहुत कर दिया है और आई होप पतिदेव जी को पसंद आएगा। और अभी अब चलते हैं किचन की ओर, अभी शाम की सब्जी वगैरह भी बनाऊंगी। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ किचन पे को शाम की सब्जी बनाने के लिए, और आज शाम की सब्जी में ना हम बना रहे हैं पनीर। मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ आज, और मटर और पनीर की सारी सामग्री मैंने यहाँ पे बना के रख ली है, कढ़ाई भी चढ़ा दी है, और अब मैं एक बार फटाफट से ना सब्जी भी बना ही लेती हूँ। तो अभी ना सब्जी भी बन गई है और अब ना खीर भी बनानी है, तो मैं खीर भी बनाती हूँ साथ साथ में और चाय भी बना रही हूँ। मैंने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लिए हैं और अब ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल लिए और अब इसमें डाल देती हूँ सेवई। तब ये भी आ गए हैं दुकान से कुछ ऐसे बन के। क्या है ये? कौन सा भूत है? अभी मैंने इनके लिए चाय बना दी है और मैं ना फिर से इस वाले कमरे में आ गई हूँ, क्योंकि अभी वो इधर आने वाले हैं, देखते हैं उनका रिएक्शन। इनके अभी केक वगैरह मैंने नहीं रखा है, आने वाले हैं शायद, तो देखते हैं। क्या है ये? कुछ नहीं है, पहले से तो था। गुब्बारे भरे कौन लाया? ये हमने मंगाए थे, कोई जरूरी नहीं है बर्थडे बर्थडे मनाने की। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो तो। कोई जरूरी नहीं है बर्थडे मनाने की, बुढ़िया कहाँ बर्थडे, कौन सा बर्थडे, किसका बर्थडे, हम कहाँ बर्थडे मना रहे हैं। मैं तो ये डेकोरेशन तो पहले से ही था, ये मेरे को अच्छा लग रहा है बलून ऐसा वाला, तब मैंने बनाया है ये। ठीक है फिर।
हाँ अभी आप जाओ दुकान में, वो पापा रुके हुए हैं, जाओ बाय। तो अभी ये तो चले गए हैं दुकान पे और अब हम रख लेते हैं केक। ये रहा केक, मम्मी पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं कपड़े ढूंढ रहे हैं, कपड़े ढूंढ रहे हैं मम्मी। तो अभी ना मैंने यहाँ पे केक भी रख दिया है और अभी ना दुकान बंद नहीं करी है, अभी आएंगे पापा और बर्थडे बॉय। आग लेके आ रहे हैं कोयले, अभी यहीं पे रख दो। हाँ थोड़ी देर अपने आप रहते हैं। अभी हमने आग यहाँ पे रख दी है क्योंकि आज यहाँ पे केक कटिंग होने वाली है। पापा कैसा लग रहा है डेकोरेशन? बहुत बढ़िया सरप्राइज बर्थडे। और क्या कहते हैं, अभी वो आने वाला है बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय तब आप लोगों को हैप्पी बर्थडे टू यू फिर करेंगे। तो बर्थडे बॉय का एक रिएक्शन तो आपने देख लिया, अभी कैमरा ऑफ करा था मैंने तो ये अचानक से पहुंच गए और पापा आग सेकने लग गए हैं यहाँ पे इंतजार में। तो ये सारी तैयारियां हो गई हैं और अब केक कटिंग होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ललित मोहन, हैप्पी बर्थडे टू यू ललित मोहन। तो सब रहने दो, रहने दो बाबू, बाबू खिलाओ खिलाओ और खिलाओ, मैं भी खिलाऊंगी, लो हैप्पी बर्थडे। थोड़ा सा मैंने खाना ना, फिर खाना नहीं है, लगाना है मुझे, मैंने ना लगाना है, थोड़ा सा पूरा मुंह में लगा दूंगा पकड़ के, ज्यादा करेगी दीदी लोगों की भी वीडियो कॉल आई हुई है। तो अभी हो रही है हमारी केक पार्टी। हम लोगों ने केक भी खा लिया है, फैमिली सेलिब्रेशन हो गया है और अब ना यहाँ पर टीवी देखने लग गए हैं पापा और मम्मी। और रात को ना रोटी वोटी भी बना ही लेते हैं, भूख भी लगने लग गई है अब और आज ठंडा भी हो रहा है। हमारे खाना बनाने का भी टाइम हो गया है तो फटाफट से ना रोटी बना लेते हैं फिर। तो गाइस अभी खाना बन गया है और आज के खाने में है मटर पनीर की सब्जी, खीर और रोटियां। तो अब मैं ना एक बार फटाफट से ना पापा को देके आती हूँ। तो अभी सबने रात का खाना खा लिया है और ना इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड कर देती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी तो मिलती हूँ आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।